फेमस डॉक्टर और ब्लॉगर माहा शाह जो के जिनकी उम्र अभी सिर्फ 24 साल थी और वो कराची की रहने वाली थी, इनकी खुदकुशी की खबर कल से मीडिया में गर्दिश कर रही है और बताया जा रहा है कि इन्होंने खुद को अपने ही घर के फर्स्ट फ्लोर के वॉशरूम में बंद करके अपने आप को गोली मार ली थी। लेकिन हकीकत कुछ और है और पुलिस की तहकीकात के बाद ये बयान सामने आया है कि इनकी इनके घर वालों से सख्त किस्म की लड़ाई हुई थी और इनके फादर ने इनकी काफ़ी इंसल्ट की थी, दिल बर्दाश्ता भी हुई हुई थी और इसीलिए इन्होंने खुदकुशी कर ली थी। लेकिन मजीद जराए की तहकीकात के बाद ये कहना है कि इन्होंने खुदकुशी नहीं की बल्कि इनका कत्ल हुआ है और ये कत्ल इनके ही घर वालों ने किया है क्योंकि इनके सर के पीछे गोली लगी हुई थी और कोई भी इंसान जब खुदकुशी करता है तो वो पीछे से नहीं अपने आप को सीधी तरफ से गोली मारता है या किसी और साइड से, पीछे से मारने का मतलब है कि इनका कत्ल हुआ और किसी ने पीछे से इनको मारा है। अब इस बात की हकीकत क्या है और वाकये के पीछे क्या हकीकत है इसका अंदाज़ा लगाना तो भी मुश्किल है, लेकिन मशहूर एक्ट्रेस उषना शर्मा ने भी यही ट्वीट किया है और कहा है कि ये अपने आप को गोली खुद कैसे पीछे से मार सकती हैं, ये गैरत के नाम पर कत्ल हुआ है। हम इस केस के बारे में मज़ीद अपडेट्स ले रहे हैं, अब इस केस के लिए मज़ीद अपडेट्स हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें ताकि आप हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोज़ को